आपकी दोस्त अनुराधा शानी और सभी को मेरे चैनल शानी व्लॉग पर बहुत से स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो फ्रेंड्स कल हम लोगों ने कौन सी चैप्टर को स्टार्ट किए थे, कल हम लोगों ने एंशियंट इंडिया की द एज ऑफ द ऋग्वेदा एंड द अराइवल ऑफ द इंडो आर्यन इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो चलिए आज भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये जो आर्यन थे ये एक्चुअली कहां से आए थे और उन लोगों के बारे में हम लोग कैसे और भी ज्यादा जानकारी जान पाते। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग सब समझ चुके हो कि हम लोग कौन सी टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने सॉरी फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, देखो कल हम लोगों ने कुछ आर्यन के बारे में, कुछ चीजों के बारे में, आर्यन कहाँ से आए थे, उन लोगों ने जब वहां से आए थे तो किस जगह से आए थे, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कल हम लोगों ने जब डिस्कशन कर रहे थे तो तब हम लोगों ने देखा कि आर्यन लोग कहाँ से आए थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, यानी हमारे पास तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जरिए ये जान पाते हैं और ये धारणा करते हैं कि हाँ हो सकता है ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या देखा था कि जब वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे तो वो लोग अपने साथ अपने कल्चर को हमारे इंडिया पर लेकर आए थे। ठीक है, तो बाद में जाके उन लोगों की कल्चर और हमारे इंडिया की जो प्रिमिटिव कल्चर थी वो एक साथ घुल मिल गए और फिर जाके हम लोग बिल्कुल भी बाद में हम लोग एक डिसाइड नहीं कर पाए कि एक्चुअली आर्यन क्या बाहर से आए थे या आर्यन इंडिया के लोग ही थे। ठीक है, तो इतना घुल मिल गए थे आर्यन कल्चर और इंडियन कल्चर। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, कल हम लोगों ने बैक्ट्रिया और जो बहाली का ये जो दो नेम है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो वहां तक हम लोगों ने एंड किए थे कल की क्लास को। तो आज हम लोग वहां से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो बहाली का ये जो नेम है ये कहाँ पर कहाँ से आए थे और कौन कौन सी जगह इसकी नेम की उल्लेख किया करा है, इस सब के बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे और थोड़ा बाकी था, आज भी हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एट फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं वो है ए गुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ द 4th सेंचुरी रेफर्स टू द कॉन्करर ऑफ बहालिका हु रीच्ड देयर आफ्टर क्रॉसिंग 7 माउथ ऑफ इंडस। तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन में एक जगह पर लिखा हुआ है रेफर्स है किसके नाम की, कॉन्करर ऑफ बहालिका। ठीक है, एक कॉन्करर के बारे में बोला गया है जो बहालिका को कॉन्कर किए थे और वो क्रॉस करके इंडस की जो 7 जो मुख होती है इंडस रिवर की उसको क्रॉस करके यहाँ पर आए थे। तो इसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, गुप्ता इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्ट्रिया इज नोन इन गुप्ता पीरियड। देखो फ्रेंड्स, तो हम लोग एंशियंट टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडो आर्यन। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक, लटर वैदिक, उसके बाद होगी क्या, उसके बाद और भी जो मौर्य वंश है, उसके बाद गुप्ता पीरियड आएगा। लेकिन हम लोग क्या देख पा रहे हैं, गुप्ता पीरियड में भी बैक्ट्रिया की नेम की उल्लेख है, यानी गुप्ता पीरियड के लोग भी बैक्ट्रिया ये जो नेम थी इस नेम से परिचित थे। तो इससे हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है, इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हो सकता है बैक्ट्रिया उस समय इन लोगों के पास बहुत ही परिचित नाम था। क्यों, क्योंकि वहां से लोग यहाँ तक यहाँ पर आते थे और हो सकता है वहां से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जिनके कारण गुप्ता पीरियड के लोगों के पास भी ये जो बैक्ट्रिया जो नेम थी ये बहुत ही एक जाना पहचाना नेम थी। इससे ही एक सबूत हम लोगों को मिलता है कि हो सकता है जो आर्यन लोग थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया पर आए थे और सेंट्रल एशिया में ही हम लोगों ने क्या देखा था, बैक्ट्रिया एक जगह थी जो सेंट्रल एशिया में ही पड़ता है। तो इससे भी एक हम लोगों को बहुत एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि हाँ हो सकता है आर्यन लोग बैक्ट्रिया से ही आए थे क्योंकि उसका नेम की उल्लेख गुप्ता पीरियड में भी है। इसके लिए यहाँ पर बोला गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्ट्रिया इज नोन इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद क्या है, बैक्ट्रिया कवर से
अफगानिस्तान की, जिसके बारे में हम लोग जान पाते हैं ऋग्वेदा से। उसके बाद क्या है, द आर्यन केम टू सेटल इन अफगानिस्तान इज शोन बाय द आर्यन नेम्स ऑफ द रिवर्स, ठीक है, एंड ए पार्ट ऑफ दैट कंट्री इज नोन एज अरैया और हरैया फ्रॉम व्हिच हेरा इज डिराइव्ड। देखो फ्रेंड्स, ये जो आर्यन है, ये जो आर्यन है, ये नेम कहां से आ रहे हैं? हो सकता है हम लोगों को ये एक एविडेंस के तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आर्यन ये जो नेम है ये एक्चुअली अफगानिस्तान से आए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये आर्यन लोग अफगानिस्तान में सेटल हुआ था। क्यों, किससे हम लोगों को मालूम पड़ता है? क्योंकि आर्यन जो नेम है ये एक्चुअली एक रिवर की नेम है फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या लिखा गया है, आर्यन केम्स टू सेटल इन अफगानिस्तान इज शोन बाय द आर्यन नेम्स ऑफ द रिवर। वहां की अफगानिस्तान की एक रिवर है जिसका नाम आर्यन है, एंड ए पार्ट ऑफ दैट कंट्री इज नोन एज अरैया और हरैया, ठीक है। और वहां की अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम था उस समय अरैया और हरैया, उससे ही बाद में जाके क्या नेम आया है, हेरत, ठीक है। तो हो सकता है इतनी सारी नेम की सिमिलैरिटीज जब हम लोगों को मिल रहा है तो हो सकता है कि आर्यन लोग यहाँ पर सेटल हुए थे जिससे इन लोगों की नाम आर्यन पड़ा था। तो देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ये सोच सकते हैं कि हो सकता है जो आर्यन है वो अफगानिस्तान में सेटल किए थे, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बातें, आई होप फ्रेंड्स आप लोग यहाँ तक समझ चुके हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बारे में और भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, द अर्लीस्ट आर्यन लिव इन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस पंजाब एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न यूपी। जो आर्यन लोग थे, तो हम लोग ये धारणा करते हैं, देखो फ्रेंड्स मैं बार बार आप लोगों को एक ही वर्ड बोल रही हूँ कि हम लोग सपोज कर सकते हैं, हम लोग धारणा कर सकते हैं, यहाँ तक कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ वो लोग वहां पर रहते थे या वो लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा 100% श्योर है, नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिला है उससे हम लोगों को एक धारणा मिलती है कि हाँ हो सकता है आर्यन लोग यहाँ यहाँ रहते थे। तो चलो देखते हैं वो लोग कहाँ पर रहते थे। देखो कहाँ पर थे, एक तो थे कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस पंजाब एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न यूपी। उसके बाद क्या है, सम रिवर्स ऑफ द अफगानिस्तान सच एज रिवर कुबा, द रिवर इंडस आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। तो फ्रेंड्स, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के नेम है जिसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट रिवर है वो है कुबा जो अफगानिस्तान में है। उसके साथ रिवर इंडस बहुत ही फेमस एक रिवर की नेम है, और उसके साथ उसकी जो और पांच जो ब्रांचेस है उसका भी नेम ऋग्वेद में उल्लेख है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि उस समय सबसे मोस्ट फेमस रिवर कौन सा था। देखो यहाँ पर क्या है, मोस्ट फेमस रिवर थी सिंधु, कोटारमोनियस विद इंडस इज रिपीटेडली मेंशन। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली उस समय की जो मोस्ट फेमस रिवर थी वो थी सिंधु, इंडस, ये सब जो सिंधु और हम लोग इसे इंडस बोलते हैं, तो इसका नेम बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली यूज हुआ था। उसके बाद क्या है, सरस्वती इज कॉल्ड नदी तमा और द बेस्ट रिवर इन ऋग्वेदा। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सरस्वती की और एक नेम क्या थी, वो थी नदी तमा, और उसके बारे में कहाँ पर मेंशन है, ऋग्वेदा में। इसके बाद क्या है, द ऋग्वेदिक डिस्क्रिप्शन शोस अवेस्तन रिवर, कौन सी रिवर, अवेस्तन रिवर, उसका नाम क्या है, हरकवती, फ्रॉम वेयर द नेम सरस्वती वाज ट्रांसफॉर्म्ड टू इंडिया। तो फ्रेंड्स और एक रिवर की नेम है वो है अवेस्तन रिवर, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हरकवती, हरकवती से ही नेम आया है सरस्वती। हमारे इंडिया में हम लोग इस तरह से बोलते हैं सरस्वती, लेकिन ये नेम एक्चुअली कहाँ से आया है, अवेस्तन रिवर, वहां पर है हरकवती, हरकवती से है सरस्वती, ठीक है। तो ये हो गया कुछ चीजें, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसकी नेक्स्ट पॉइंट
आइलैंड को देखते हैं और देखते हैं हम लोग और क्या क्या चीजें जान पाते हैं इन आइलैंड के बारे में। फ्रेंड्स अब हम लोग इसके टेक्स्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यानी आर्यन कल्चर यानी आर्यन लैंग्वेज कैसा था उसके बारे में ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, वी नो अबाउट इंडिया फ्रॉम ऋग्वेद। तो आर्यन के बारे में हम लोग कहाँ से जान पाते हैं, ऋग्वेद से। The term Arya occurs 36 times in the text and generally denotes a cultural community that speak the Indo-Aryan language. ये जो Arya है इसके बारे में ऋग्वेद में 36 बार इसकी उल्लेख हुई है, जिससे हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि हो सकता है यह कल्चरल कम्युनिटी हुई हो, ठीक है। और जो लोग किस भाषा से बात करते थे, किस लैंग्वेज से बात करते थे, उन लोगों की लैंग्वेज था इंडो आर्यन लैंग्वेज। इसके बाद क्या है, द ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑन सी लैंग्वेज की। देखो ये है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। तो ये जो आर्यन थे वो किस लैंग्वेज से बात करते थे, इंडो आर्यन। और ऋग्वेद में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उसके बाद इट इज रिटन इन संस्कृत बट ऑल्सो इंक्लूडेड मेनी मुंडा एंड द्रविड़ियन वर्ड्स। जो ऋग्वेद लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी बहुत सी वर्ड है जिसको वो लोग यूज किया है, कहाँ से, फ्रॉम मुंडा वर्ड्स एंड द्रविड़ियन वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, दी वर्ड्स पर्कुलेटेड टू ऋग्वेद थ्रू दी लैंग्वेज ऑफ दी हरफंस। तो हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा उन लोगों को मानना है कि हो सकता है जो ऋग्वेद में जो वर्ड की यूज किया गया है उसमें से बहुत सारे वर्ड हम लोग हड़प्पा से पाए हैं, यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो उस समय जिस तरीके से बातें करते थे, या हम लोग क्या बोले, हम लोग तो नहीं जानते हैं क्योंकि हर लैंग्वेज है वो अनडिसिफर्ड है, तो हम लोग एश्योरली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है कि कुछ कुछ वर्ड हम लोग हड़प्पा से लिए हैं जिससे ऋग्वेद तैयार हुई है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स इसमें तो ज्यादा समझाने की कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट को याद रखिए क्योंकि यहाँ से ही छोटा छोटा क्वेश्चन दे देगा आपके एग्जाम में, तो हो सकता है उस समय आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे करके इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलो फ्रेंड्स अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में कुछ और भी चीजें जान लेते हैं, यानी ऋग्वेद में किस तरह की प्रयाग के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड अग्नि इंद्र मित्र वरुणा एंड द अदर गॉड्स। तो कौन सी गॉड की नेम यहाँ पर मेंशन है, एक है अग्नि, सेकेंड इंद्र, मित्र वरुणा एंड अदर गॉड्स। उसके बाद क्या है, ऋग्वेद has many things in common with Avastha, which is the older text in Iranian language. देखो friends, हम लोग यहाँ पर similarities देखो। ऋग्वेद में बहुत सारे चीजों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है जो common थी, कौन सी चीज के, जो Iranian जो चेत अवस्था थी, Iranian जो मैं क्या बोलूँ, जो जो mythological जो book है उस वहां से वहां पर जो जो चीजें कॉमन थी, तो उस तरह की सिमिलरिटी हम लोगों को ऋग्वेद में देखने को मिला है, ठीक है। तो इससे भी हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि आर्यन लोग सेंट्रल एशिया से ही आए थे, क्योंकि उन लोगों के साथ हो सकता है हमारे इंडियन की इतनी परिचय थी, इतनी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थी कि उन लोगों की जो धर्म ग्रंथ है चेत अवस्था वहां पर जिस तरह की चीजें लिखा हुआ है कुछ कुछ सिमिलरिटीज हम लोग हमारे जो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद वहां पर भी हम लोग वही सेम चीज पाते हैं, तो यहाँ से भी एक एविडेंस हम लोगों को मिलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल वेव्स। ऑब्वियसली फ्रेंड्स हम लोग तो जानते हैं कि बहुत बार बार आर्यन बहुत दिनों तक वो लोग हमारे इंडिया पर आए थे। इसके बाद क्या है, फ्रॉम ऋग्वेद वी नो दैट दे केम टू कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिजिनस इनहैबिटेंट कॉल्ड दसास एंड दसास।
as a use. देखो ऋग्वेदिक जो पीरियड में जो ऋग्वेद है वहां से हम लोग अर्यन के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाते हैं। तो इसमें से और एक चीज हम लोगों को जानने को मिलता है कि जब आर्यन हमारे इंडिया पर आए थे तब क्या हुआ था, तब हमारे इंडिया की जो प्रिमिटिव जो लोग थे जो इंडिजिनस पीपल थे कभी कभी वो लोग उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जुट जाते थे, यानी उन लोगों के बीच में द्वंद होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो वो जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट थे उन लोगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दसाल एंड दी दसल्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है, दसाल आर मेंशन्ड इन दी एंशियंट इरानियन लिटरेचर। देखो फ्रेंड्स कितनी सिमिलैरिटीज है ना, अवेस्ता के साथ ऋग्वेद की सिमिलैरिटीज है। और एक चीज हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ईरानियन लिटरेचर में दसाल के भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग एकदम लास्ट पर आ चुके हैं इस टॉपिक के। चलो हम लोग लास्ट में थोड़ा सा एक चीज बाकी है उसको देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स अब हम लोग हमारे लेक्चर की एकदम लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग दास या दसाल्यूज के बारे में जान रहे थे। तो देखो फ्रेंड्स दास क्या है, नेम क्या है, दसाल्यूज सीम्स टू बी ए ब्रांच ऑफ द अर्ली आर्यंस। तो जो दसाल्यूज है, दसाल्यूज हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि वो लोग हो सकता है अर्ली आर्यंस की एक ग्रुप होगी। कौन सी नेम, दसाल्यूज। उसके बाद क्या है, मे बी दसाल्यूज इन ऋग्वेद रिप्रेजेंट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। जो दसाल्यूज थी वो थी ऋग्वेद में, जो दसाल्यूज के बारे में उल्लेख है हो सकता है वो हमारे इंडिया की जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है वो लोग हो सकता है। तो इससे क्या होते, जब हम लोगों ने पिछले स्लॉट में देखा था कि आर्यन आते थे हमारे इंडिया में और यहाँ पर आके हमारे इंडिया के लोगों के साथ उन लोगों की झड़प होता था, तो हो सकता है कि ये जो दसाल्यूज थी, हो सकता है ये लोग अगर हमारे इंडिया की ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे तो उन लोगों के साथ आर्यन लोग बहुत ही खराब बिहेवियर करता था। ठीक है, लेकिन जो दास थे यानी जो दसाल्यूज थे उनके बारे में हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि हो सकता है वो लोग अर्ली आर्यन थे। तो इसके लिए उन लोगों के साथ आर्यन की जो आर्यन चिप थी उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। क्यों, क्योंकि जो दसाल्यूज थी वो उन लोगों की कैटेगरी का ही लोग था, लेकिन दसाल्यूज के साथ उन लोगों की जो बिहेवियर थी वो बहुत ही हॉस्टाइल थी। क्यों, क्योंकि दसाल्यूज हमारे इंडिया की ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे। ठीक है, तो ये हो गया दास और दसाल्यूज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक से बहुत सारे चीजें जान ली है। हम लोगों ने क्या देखा, कल से हम लोग इस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे थे, हम लोगों ने आर्यन के बारे में जाना, आर्यन कहां से आए थे उसकी धारणा हम लोगों ने किया। उसके साथ साथ आज भी हम लोगों ने देखा कि वो लोग हमारे इंडिया पर आए और उसके बाद हमारे इंडियन लोगों के साथ उन लोगों का बिहेवियर कैसा था वगैरह वगैरह। हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग खत्म कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यही खत्म करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो आज मैं चलती हूँ फ्रेंड्स।